गुड मॉर्निंग बच्चों, आज हम जॉ सस्पेंशन पढ़ेंगे। ठीक है, लास्ट क्लास में जो हमने पढ़ा था कि स्केलेटन सिस्टम क्या है, उसके फंक्शन क्या है, हमें बेसिक जो स्केलेटन होता है वो पता है। ठीक है, और जो दूसरा एक इम्पॉर्टेंट इसमें टॉपिक है वो है जॉ सस्पेंशन। ठीक है, या जॉ सस्पेंशन का मतलब क्या होता है कि हमारे स्कल का जो ये हमारा ब्रेन बॉक्स होता है, जिसमें ब्रेन होता है, मस्तिष्क होता है, उसे हम कहते हैं ब्रेन बॉक्स या क्रेनियम। ठीक है, तो ये जो हमारा ब्रेन बॉक्स है, इससे ही हमारे देखो जॉज जुड़े हुए हैं, जबड़े जो हैं वो जुड़े हुए हैं। तो ये जो जबड़े हैं ये किस तरह से जुड़े हुए हैं, जैसे हम देखते हैं अभी हम बोल रहे हैं, तो यहाँ हमारा जो नीचे का जॉ मूव कर रहा है, ऊपर का मूव नहीं कर रहा है। ठीक है, कई एनिमल्स होते हैं, हम आज मुंह खोलेंगे तो हमारा नीचे का जॉ खुलेगा। ठीक है, ये ऊपर का फिक्स है हमारा। ठीक है, सांप होता है, जैसे हमने बाइटिंग मैकेनिज्म सांप की पढ़ी थी, तो उसका अपर जॉ भी मूव करता है और लोअर जॉ भी मूव करेगा। ठीक है, तो दोनों जॉज पूरे खुलते हैं तभी वो इतने बड़े एनिमल को भी, एक हिरण हुआ, एक आदमी हुआ, उस तक को वो निगल सकता है। ठीक है, तो ये जो होता है कि हमारे जॉज में उतनी बड़ी चीज़ हम अपने मुंह में नहीं ले सकते, क्योंकि हमारा ऊपर का जॉ भी क्या है, वो फिक्स है। तो इस तरह से ये जो है, किस तरीके से हमारे जॉज, हमारे स्कल जो क्रेनियम होता है, ब्रेन बॉक्स, उससे जुड़े हुए हैं, फ्रीली हैं, फिक्स हैं, किस टाइप से जुड़े हैं, इसको ही हम कहते हैं सस्पेंसोरिया या जॉ सस्पेंशन। किस तरह से हमारे जॉज क्रेनियम से जुड़े हुए हैं, वो उससे अटैच है, वो हमें पढ़ना है। ठीक है, उससे पहले जो है, जैसा मैंने अभी पिछली क्लास में बताया था, जो स्कल होता है, हमने वर्टिब्रल कॉलम देख लिया था, उसके पार्ट कौन से हैं, हमने थोरेसिक केज देख लिया था, अपेंडिकुलर स्केलेटन देख लिया था। ठीक है, अब एक मैंने कहा था ना, स्कल का मैं नेक्स्ट में बताऊंगी। स्कल मतलब होता है ये जो आपका कपाल। ठीक है, तो स्कल के, क्योंकि हमें बहुत डिटेल में नहीं है, इसलिए मैं दो पार्ट तो उसमें नहीं बता रही हूँ, जो हमारा रिलेटेड है जॉ सस्पेंशन से, वो चीज़ मैं इसमें बता रही हूँ। तो जो हम वर्टिब्रेट्स का या कशेरुक का जो कपाल या स्कल होता है, वर्टिब्रेट स्कल, वो तीन पार्ट होते हैं। ठीक है, ध्यान से सुनना आप, डायग्राम नाम बड़े बड़े लगेंगे, बट जब डायग्राम से पढ़ोगे तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, इसलिए ध्यान से सुनना इसको। तो वर्टिब्रेट का जो स्कल होता है, उसके तीन पार्ट हो जाते हैं। पहला है न्यूरोक्रेनियम, दूसरा है डर्मेटोक्रेनियम, थर्ड है स्प्लेंचनोक्रेनियम। ठीक है, न्यूरोक्रेनियम, डर्मेटोक्रेनियम, स्प्लेंचनोक्रेनियम, ये तीन जो है स्कल के पार्ट्स हैं। ठीक है, और जो हमको जॉ सस्पेंशन के लिए पार्ट पढ़ना है वो कौन सा है, ये स्प्लेंचनोक्रेनियम। ठीक है, स्प्लेंचनोक्रेनियम जो है वो हमें इसमें पढ़ना है। तो स्प्लेंचनोक्रेनियम जो होता है, स्प्लेंचनोक्रेनियम, ये हमारे विसरल आर्च बनाता है। अब ये आर्चेस क्या होते हैं, ये नेक्स्ट जो यूनिट्स आएंगी उसमें, नेक्स्ट यूनिट में पूरा एक आर्चेस पर, एओर्टिक आर्चेस पर एक चैप्टर है, तो उसमें मैं बताऊंगी। ठीक है, अभी तो इतना समझ लो, जो आर्चेस होते हैं वो 1, 2, 3, 4 के फॉर्म में लाइन से होते हैं, पेयर्ड। ठीक है, तो इस स्प्लेंचनोक्रेनियम जो होता है, इसके अंतर्गत विसरल आर्चेस आते हैं। ठीक है, विसरल आर्चेस आते हैं, और ये जो विसरल आर्चेस हैं, ये विसरल आर्च वन, मतलब क्या होता है, आर्चेस को नंबर 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऐसे नंबरिंग होती है उनकी, सबसे पहला आर्च। ठीक है, आर्च मतलब इस टाइप का स्ट्रक्चर, ये इस टाइप के स्ट्रक्चर्स होते हैं। तो सबसे ऊपर का आर्च, उसके बाद दूसरा आर्च, फिर तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, ऐसे रहते हैं, नंबर रहता है सबके। तो जो सबसे पहला आर्च होता है,
तो हमने क्या बताया था, स्प्लेंचनोक्रेनियम जो है इसमें विसरल आर्चेस होते हैं 1 2 3 4 5 6। तो जो फर्स्ट विसरल आर्च होता है, विसरल आर्च 1, इसको कहते हैं मैंडिबुलर आर्च। ठीक है, मैंडिबुलर जनरली हमारे जबड़े से रिलेटेड, जबड़े का आर्च होता है। तो विसरल आर्च 1 जो होता है, समझ गए, 1 2 3 4 5 6 ऐसे आर्चेस होते हैं। तो जैसे जैसे आगे डेवलपमेंट होता है एनिमल का, फिश से लेके मैमल्स तक, ये आर्चेस गायब होने लगते हैं। ठीक है, और एंड में आके आर्चेस बहुत कम रह जाते हैं। तो विसरल आर्च सबसे पहला जो आर्च होगा, ठीक है, वो होगा मैंडिबुलर आर्च। और जो दूसरा आर्च होता है विसरल आर्च, वो होता है हायोइड आर्च। ये नाम याद करने पड़ेंगे, पर हार्ड नहीं है, जब आर्चेस पढ़ोगे तो अपने आप क्लियर हो जाएगा। तो पर इसमें अभी फिलहाल याद करना पड़ेगा कि आपका जो ब्रेन स्कल का जो तीसरा पार्ट है स्प्लेंचनोक्रेनियम, उसमें उससे जो जुड़ा हुआ उसका जो पार्ट है, फर्स्ट विसरल आर्च है मैंडिबुलर आर्च और दूसरा है हायोइड आर्च। मैंडिबुलर आर्च जो होता है, मैंडिबल मतलब जो, अब मैंडिबल ध्यान रखना हमारे जॉज जो बना रहे हैं, जबड़े बना रहे हैं। तो मैंडिबुलर आर्च में जो ऊपर का डॉर्सल साइड होगी वो हमारा अपर जॉ बनाता है। देखो जैसे ये हो गया, ये जो पार्ट है ये कहलाता है क्रेनियम, हमारा जो ब्रेन बॉक्स है ऊपर का, वो ये जो सबका ऊपर का पार्ट दिख रहा है ये क्या कहलाता है, क्रेनियम। ठीक है, ये जो हमारा स्कल का क्रेनियम हो गया, इसमें जो ये बीच में क्या है, ऑर्बिट, आंखों के लिए जगह, वो ऑर्बिट। ठीक है, अब ये जो क्रेनियम है हमारे स्कल से हमारे जॉज जुड़े हुए हैं, तो जो ये ऊपर और नीचे के जॉज हो गए, अपर जॉ और लोअर जॉ, ये हमें पता ही है, ऊपर का जबड़ा और नीचे का जबड़ा। तो जो ऊपर का जबड़ा, ये दोनों मिलके हमारे क्या बनाते हैं, मैंडिबुलर आर्च। ठीक है, दोनों जबड़े मिलके, तो मैंडिबुलर आर्च में जो डॉर्सल मतलब ऊपर का होता है वो बनाता है अपर जॉ, और जो नीचे का होता है वो बनाता है लोअर जॉ। अब लोअर जॉ और अपर जॉ के भी नाम होते हैं। अब जितने भी हमें, हम इनके टाइप पढ़ेंगे जॉ सस्पेंशन के, उसमें नाम सेम ही रहेगा। जो अपर जॉ होता है उसका नाम होता है पैलेप्टो टेरिगो क्वाड्रेट बार या बोन, पैलेप्टो टेरिगोइड बोन। ये जो रहती है, ये देखो, ये जो बोन है ये कौन सी है, पैलेटो क्वाड्रेट बोन अपर जॉ। और जो नीचे की बोन होती है, नीचे का जॉ बना रही है, ये दोनों मैंडिबुलर आर्च हो गए, ऊपर का पैलेटो क्वाड्रेट और नीचे की मकेल्स कार्टिलेज। ठीक है, जो नीचे का जॉ बनाएगा उसको कहते हैं मकेल्स कार्टिलेज। अब चाहे ये वाला टाइप हो, ये हो, ये हो, ये हो, सब में अपर जॉ पैलेटो क्वाड्रेट और नीचे का मकेल्स कार्टिलेज, और ये दोनों क्या बनाएंगे, मैंडिबुलर आर्च। क्लियर। अब हम आते हैं हायोइड आर्च, जो दूसरा आर्च है, नंबर 1, नंबर 2। तो जो दूसरा आर्च है वो क्या बना रहा है, देखो, इन दोनों जॉस के पीछे, ठीक है, पीछे की साइड देखो, ये जो बोन्स दिख रही हैं, क्योंकि ये ही क्या करती हैं, उसको अटैच करेंगी, तभी तो जॉज हमारे पीछे जुड़े हुए रहेंगे। तो एक आर्च तो आगे हो गया मैंडिबुलर आर्च, और जो पीछे की तरफ है वो हायोइड आर्च। ठीक है, ये हायोइड आर्च में भी ऊपर का और नीचे का दो पार्ट हो जाते हैं, डॉर्सो हायोमैंडिबुलर, मतलब ये जो ऊपर का पार्ट है डॉर्सो हायोमैंडिबुलर, और वेंट्रल जो नीचे का भाग है ये कहलाएगा हायोइड प्रॉपर। ये देखो हायोइड आर्च जो होता है, ठीक है, तो जो दूसरा आर्च है हायोइड आर्च, ये वाला, इसमें भी डॉर्सल ऊपर का और वेंट्रल नीचे का होगा। डॉर्सल को कहेंगे डॉर्सल हायोमैंडिबुलर। ये क्या करता है, जो ऊपर का पार्ट है ये क्या करेगा, सपोर्ट्स एंड सस्पेंड्स द जॉ विद क्रेनियम। जो हमारे जॉज हैं
उनको क्रेनियम जो ब्रेन स्कल है उससे जोड़ता है, ठीक है। तभी तो क्या होता है, हमारे जो स्कल है, हमारा स्कल और ये जॉज, ये इस तरह जुड़े हुए रहते हैं, ठीक है। तो ये जो जोड़ने का काम है कौन करेगा, ये डॉर्सल हायोमैंडिबुलर, और हायोड प्रॉपर तो ये है ही, ठीक है। तो इस तरीके से जो स्प्लेंचनोक्रेनियम हो गया, ठीक है, जो वर्टिब्रल स्कल का तीसरा पार्ट है स्प्लेंचनोक्रेनियम, वो क्या करेगा, वो एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है, किसमें, जॉस को बनाने में, क्योंकि इसी से देखो अपर जॉ लोअर जॉ सब बन रहे हैं। तो स्प्लेंचनोक्रेनियम जो है वो जॉ के फॉर्मेशन में हेल्प करता है, और जो कॉन्ड्रोक्रेनियम, ठीक है, ये देखो कॉन्ड्रोक्रेनियम, ये जो ऊपर का स्कल का भाग होता है जिससे ये वाला पोर्शन जो जॉज है वो ऊपर क्रेनियम से जुड़ते हैं, इसे कॉन्ड्रोक्रेनियम कहते हैं, क्लियर। जो मैंडिबुलर आर्च है वो इस कॉन्ड्रोक्रेनियम, जो क्रेनियम वाला पार्ट है कॉन्ड्रोक्रेनियम कहलाता है, उससे ये जुड़ते हैं। तो स्प्लेंचनोक्रेनियम कॉन्ड्रोक्रेनियम से कैसे जुड़ता है, इसी को हम कहते हैं सस्पेंसोरिया या जॉ सस्पेंशन। सुनना है, स्प्लेंचनोक्रेनियम मतलब मैंडिबुलर और हायोइड आर्च किस तरह से कॉन्ड्रोक्रेनियम, क्रेनियम को ही कॉन्ड्रोक्रेनियम हम कह रहे हैं, तो कॉन्ड्रोक्रेनियम से किस तरह से जुड़ा हुआ है वही कहलाता है जॉ सस्पेंशन, क्लियर। अब ये जो किस तरह से जुड़ा हुआ है, ये अलग अलग एनिमल्स में, जो बिल्कुल पुराने एनिमल्स थे सबसे स्टार्टिंग के उनमें अलग था, धीमे 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 होता होता आज का मैमल्स का बना। तो ये क्या होते हैं, ये पांच टाइप के होते हैं। पहला होता है ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, एम्फीस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, हायोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, ऑटोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, क्रेनियोस्टाइलिक जॉ सस्पेंशन, ठीक है। ऑटोस्टाइलिक, एम्फीस्टाइलिक, हायोस्टाइलिक, ऑटोस्टाइलिक, क्रेनियोस्टाइलिक, ये पांच प्रकार के, फाइव टाइप के जॉ सस्पेंशन है। जॉ सस्पेंशन मतलब स्प्लेंचनोक्रेनियम किस तरह से कॉन्ड्रोक्रेनियम से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अब आते हैं, पहला जो हमारा है ऑटोस्टाइलिक, ठीक है। ऑटोस्टाइलिक जो था, बिल्कुल जो पहले की ग्नेथोस्टोम्स मतलब जॉ वाली फिशेस थी बिल्कुल स्टार्टिंग की, उनमें इस टाइप का स्ट्रक्चर था। तो देखो इसमें ये जो कॉन्ड्रोक्रेनियम है, ये देखो लोअर और अपर जॉ, इस कॉन्ड्रोक्रेनियम से लिगामेंट से जुड़े हैं, ठीक है, लिगामेंट से जुड़े हैं, बोन को बोन से जोड़ने वाला क्या लिगामेंट होता है। तो यहाँ पर देखो, अगर इसमें अंतर देखो, जो आज का है वो बिल्कुल देखो फिक्स है अपर जॉ, यहाँ पे क्या है, तो दोनों जॉज बिल्कुल फ्री थे, मतलब जॉ बनना शुरू हुए थे। तो लिगामेंट, आगे का जो लिगामेंट था वो कहेगा एंटीरियर लिगामेंट, पीछे का लिगामेंट पोस्टीरियर लिगामेंट, ऊपर ये स्कल का कॉन्ड्रोक्रेनियम कहलाएगा, ठीक है। ये अपर जॉ है वो पैलेटो क्वाड्रेट, नीचे का हर एक में मैंने लेबलिंग नहीं करी है, तो अपर जॉ कहलाएगा, कौन सा हो जाएगा, पैलेटो क्वाड्रेट, और नीचे का जॉ मक्केल्स कार्टिलेज, पीछे हायोइड आर्च। ये देखो ये सब फ्री है, मतलब अपर जो मैंडिबुलर आर्च है उससे हायोइड आर्च फ्री है, कोई अटैचमेंट नहीं है, ठीक है। और एक बीच में गिल होता है, ये जो बीच में दिख रहा है ये इनका फ्री गिल होता है, ठीक है, और हायोइड आर्च ये पीछे की तरफ जा रहे हैं। तो ये क्या कहलाता है, ऑटोस्टाइलिक टाइप का जॉ सस्पेंशन। दूसरा आता है एम्फीस्टाइलिक। अब देखो यहाँ पर ये जो पीछे का पोस्टीरियर लिगामेंट था वो देखो थोड़ा सा, अब उसमें एक लिगामेंट की जगह यहाँ पर जो बोन थी ये ऊपर तक जुड़ गई, तो ये कहलाता है। अब ये ध्यान रखना, जो एंटीरियर लिगामेंट है उसमें दोनों तरफ उभार बन गए, नीचे की तरफ दोनों लिगामेंट में उभार बन गए,
ये कहलाते हैं जो आगे की तरफ का होता है लिगामेंट में उभार, उसे कहते हैं बेसल प्रोसेस, और जो पीछे की तरफ है वो कहलाएगा ऑटिक प्रोसेस। बेसल प्रोसेस अपर जॉ में आगे वाला प्रोसेस उभार, और ऑटिक प्रोसेस पीछे वाला उभार अपर जॉ में। अब देखो ये पीछे से जुड़ गया ऊपर जॉ से, नीचे का जॉ फ्री है, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ तो ये सब बोन्स फ्री थी, पर एम्फीस्टाइलिक में क्या होता है, ये देखो जो हायोइड आर्च है ऊपर वाला, ये कॉन्ड्रोक्रेनियम से जुड़ गया, जबकि यहाँ पे देखो ऐसे जुड़ा हुआ नहीं है, पर यहाँ क्या हुआ देखो, ये इससे कॉन्ड्रोक्रेनियम से जुड़ गया। इस टाइप का जो जॉ सस्पेंशन होता है वो क्रॉसोप टेरिजा है, और कुछ पहले जैसी फिशेज जो थी उनमें पाया जाता है। अब ये सब क्रॉसोप टेरिजा वगैरह मैं पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। अब हम आते हैं हायोस्टाइलिक। हायोस्टाइलिक जो जॉ सस्पेंशन होता है उसमें अब फिर देखो ऊपर का हो गया कॉन्ड्रोक्रेनियम, ये स्प्लेंचनोक्रेनियम से कैसे जुड़ा है, इसकी ऊपर की बोन हो गई जॉ की, पैलेटो क्वाड्रेट सब में यही है, और नीचे की बोन मकेल्स कार्टिलेज। यहाँ देखो फिर ये प्रोसेस जो थी, यहाँ पर जो ऊपर हो रही थी अब ये लिगामेंट से जुड़ी है, मतलब ये जनरली जो रहता है ये किन में होगा, जो एक्सटिंक्ट प्लेकोडर्म्स हो गए, काइमेरिया हो गए, लंग फिशेस हो गए, ज़्यादातर जो टेट्रापोड्स होते हैं, तो ये जैसे हम सांप में जो देखते हैं ना, जो जानवर कार्निवोरस होते हैं जो अपना मुंह बहुत ज़्यादा खोल सकते हैं, तो इनमें देखो ये बिल्कुल लूज होते हैं, तो ये अपना मुंह कितना भी खोल सकते हैं। तो ये जो है यहाँ पर क्या देखो, लिगामेंट है ऑटिक, ये पीछे वाली ऑटिक प्रोसेस, आगे वाली कौन सी हो गई, बेसल प्रोसेस, ठीक है। और ये जो नीचे का बेसी हायल, ऊपर का हायोमेंडिबुलर, वो कॉन्ड्रोक्रेनियम से जुड़ गया जाके, ठीक है। तो ये क्या कहलाएगा, हायोस्टाइलिक। लास्ट आता है ऑटोस्टाइलिक। ऑटोस्टाइलिक जो होता है, सॉरी हायोस्टाइलिक तो इलास्मोब्रैंक और बोनी फिशेज में था, ऑटोस्टाइलिक जो होता है वो सब टेट्रापोड्स में होता है, ठीक है, बर्ड्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियन, इनमें। तो जितने भी टेट्रापोड्स हैं और जो लंग फिशेज हैं, ठीक है, उनमें काइमीरा और इनमें पाया जाता है। यहाँ देखो ऑटोस्टाइलिक में जो अपर जो है ये पूरा कॉन्ड्रोक्रेनियम से फिक्स हो गया, और किसके थ्रू फिक्स हो गया, बेसल प्रोसेस और ऑटिक प्रोसेस दोनों जुड़ गई, मतलब यहाँ पर कोई लेगामेंट नहीं है, वो कॉन्ड्रोक्रेनियम के साथ में अपर जॉ जुड़ गया और नीचे का जॉ फ्री रहता है। दूसरी ऑटोस्टाइलिक में इंपॉर्टेंट चीज ये होती है कि हम जैसे हमें पता है हमारे कान में तीन छोटी बोन्स होती हैं, मेलियस, इनकस, स्टेपीज, तो ऑटोस्टाइलिक में जो पहली बोन है कान की, स्टेपीज या कॉल्यूमेला बन जाती है, वो किससे बनती है, इसी हायोमेंडिबुलर, ये जो हायोमेंडिबुलर बोन है यही रूपांतरित या मॉडिफाइड हो जाती है और स्टेपीज या कॉल्यूमेला बनाती है, ठीक है, ईयर बोन बनना शुरू हुई। और यहाँ देखो ये बाकी स्ट्रक्चर सेम, ये कॉन्ड्रोक्रेनियम, अपर जॉ, लोअर जॉ, मकेल्स कार्टिलेज, और पीछे हायोइड और ऑटिक प्रोसेस ये, और बेसल प्रोसेस ये। ऑटोस्टाइलिक एक्सटिंक्ट प्लेकोडर्म्स में, क्राइमीरा, लंग फिशेज, मोस्ट टेट्रापोड्स में पाया जाता है। अब लास्ट का जो है वो क्रेनियोस्टाइलिक। क्रेनियोस्टाइलिक जो है वो इसी का रूपांतरण होता है, मॉडिफिकेशन होता है, और मैमल्स में पाया जाता है, ठीक है। कौन सा मैमल्स में होगा, क्रेनियोस्टाइलिक, और इसी ऑटोस्टाइलिक का मॉडिफिकेशन मतलब इसी के जैसा रहता है, सिर्फ अंतर ये रहता है कि ये जो नीचे की भी जो बोन्स रहती हैं, हायोइड आर्च की जो बोन्स होती हैं, वो बाकी की दो कान की बोन्स बना लेती हैं, कौन सी, मेलियस, इनकस। ऑटोस्टाइलिक में जो एक बोन थी स्टेपीज, अब ये जो पीछे की हैं ये दो और बोन्स बना लेती हैं, मेलियस, इनकस और स्टेपीज थी, तो ये तीन ईयर बोन और ईयर ऑसाइकल्स फॉर्म हो जाती हैं। तो ये किस तरह स्ट्रक्चर, फिर वही हमारा जैसे पता ही है मैमल्स में अपर जॉ तो फिक्स रहता है, लोअर जॉ को हम मूव कर सकते हैं, तो ये स्ट्रक्चर, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपका जॉ सस्पेंशन, उसके लिए
ये पार्ट अच्छे से याद रखना। तो इसमें कई बार वन मार्क में भी क्वेश्चन आ जाते हैं कि जॉ सस्पेंशन क्या होता है, या आपको फुल मार्क्स में भी क्वेश्चन आ जाते हैं, या हायोस्टाइलिक पूछ लिया, ऑटो स्टाइलिक पूछ लिया। तो डायग्राम मैं इसमें साथ में भेजूंगी, ठीक है, और बाकी जैसा डायग्राम उसके हिसाब से उसको पढ़ लेना। तो कोई हार्ड नहीं है, डायग्राम याद करोगे तो अपने आप सारी चीज़ें याद हो जाएंगी। ओके okay?